आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा हैंगिंग लैम्प जिसमें होगी एक छोटी सी बट इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। हेलो एंड नमस्कारम टू एवरीवन। तो मुझे ये आइडिया तब आया जब मैंने अपने कपबोर्ड में ये वाली अधूरी कार्विंग देखी। सो आई कम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग अ हैंगिंग लैम्प आउट ऑफ इट। तो इस अधूरी कार्विंग को पूरा करने के लिए आई नीड सम टूल्स। तो ये है हमारा खजाने का पिटारा जो थोड़ा सा बिखर गया है, बट कोई बात नहीं, हम सारी ब्लेड को अपनी जगह पे रख देते हैं एंड देन वी स्टार्ट आवर कार्विंग। ओके, सो सब कुछ सेट है, नाउ लेट्स स्टार्ट कार्विंग। तो वीडियो में ये जितना इजी कार्विंग लग रहा है ना, उतना इजी है रियलिटी में नहीं है। बट बिफोर आई शो यू द रियल पेन ऑफ मेकिंग दिस कार्विंग, मेरा जो ड्राइंग पार्ट बाकी था उसे मैंने ट्रेसिंग पेपर पर ड्रॉ करके डिज़ाइन को दोनों खाली वाले पार्ट में छाप दिया। डिजाइन को ट्रेस करने के बाद नाउ लेट्स एंजॉय द सैटिस्फाइंग पार्ट ऑफ द कार्विंग। हाँ, तो इतना ज़्यादा टाइम लगा मुझे सिर्फ एक कार्विंग के पार्ट को निकालने के लिए, पर एंड में ये अच्छा दिख रहा है, सो आई थिंक इट्स वर्थ द पेन। सो द कार्विंग इज डन। नाउ ये कार्विंग वाला हिस्सा बनेगा हमारा लैम्प का नीचे का हिस्सा। सो कार्विंग वाले हिस्से को मैंने ऑक्टागोन शेप में कट कर दिया है और उसके साथ एक और उसी शेप में एक पीवीसी शीट भी कट कर ली है जो होगा हमारा लैम्प का ऊपर वाला पार्ट। और स्टोरी दिखाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, सो आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द साइड्स ऑफ द ऑक्टागोन एंड लास्टली आई हैव स्टिक देम ऑल टुगेदर। तो स्टोरी के लिए मैंने कैनवास शीट को कट करके लैम्प के साइड्स पर चिपका दिया है। एज यू कैन सी कि मैंने कार्विंग वाले हिस्से को अभी चिपकाया नहीं है, दैट इज़ बिकॉज अभी इसको और सजाना है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं जो कार्विंग का अंदर वाला हिस्सा है उसे गोल्डन पेंट करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मैं इसके ऊपर गोल्डन लीफ की लेयरिंग करूँ तो अंदर वाला पार्ट वाइट दिखे। सो कार्विंग के ऊपर वाले हिस्से को और अंदर के साइड्स को भी गोल्डन पेंट कर दिया है। और अब कार्विंग की दूसरी साइड पर आई एम गोइंग टू स्टिक गोल्डन लीफ शीट्स। वाले ग्लू में सबसे पहले आपको सरफेस के ऊपर इस ग्लू को लगा देना है एंड देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर इट टू ड्राई एंड देन गोल्ड शीट्स को इसके ऊपर लगा देना है। ये वाली शीट मैं अभी रिवील नहीं करूंगी बिकॉज अभी आने वाला है हमारा मेन पार्ट ऑफ द लैम्प जो है स्टोरी। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द स्टोरी। सो स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट को लिखने के लिए मैंने अपनी स्केचबुक और पेंसिल ले ली है, सो लेट्स स्टार्ट। वेल सून आई रियलाइज कि मुझे स्टोरी के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है, तो मैंने अपनी स्केचबुक बंद की एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द स्टोरी एंड आई थिंक और बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने के बाद आई हैव कम अप विद अ स्मॉल स्टोरी एंड विथ इट्स मेन कैरेक्टर।
सो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है कोको और हमारी स्टोरी का टाइटल है कोको द कॉन्शियस बनी। सो मैंने स्टोरी लाइन को और कैरेक्टर को स्केच आउट कर दिया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द स्टोरी। सो हियर आई प्रेजेंट कोको द कॉन्शियस बनी स्टोरी। Okay, so now you know the story, so let's paint it on the lamp. So story sketch out करने से पहले canvas के ऊपर मैंने एक white paint से layer कर दिया है. Now I'm going to sketch out the whole story. But पहला sketch खत्म होने के बाद ही I have realized my mistake, which is कि मैंने इसको पूरा उल्टा draw कर दिया है. ड्राइंग करने में मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने ये देखा ही नहीं कि कौन सी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और कौन सी साइड नीचे की तरफ, और बिना देखे ही मैंने ड्रॉ कर दिया. सो नाउ आई हैव टू इरेज इट. इरेज करने के बाद मैंने सारे साइड्स पर बॉर्डर्स ड्रॉ कर दिए हैं और जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर हमारी पूरी स्टोरी आएगी. नाउ लेट्स पेंट द सेंटर पार्ट. सेंटर वाला पार्ट पेंट हो गया है. नाउ लेट्स क्रिएट द गोल्डन बॉर्डर्स. लैंप का बेसिक स्ट्रक्चर पेंट होकर रेडी है. अब बारी है हमारी स्टोरी को पेंट करने की. पेंटिंग स्टार्ट करने के थोड़े टाइम बाद ही I caught myself making the same mistake again. And this reminds me कि कैसे हम एक ही मिस्टेक बार बार करते रहते हैं लाइफ में भी और अभी के लिए यहाँ पर भी. लेकिन अगर हम उस पर अच्छे से ध्यान दें then we can fix it. और वैसे भी creative field में there is no mistake which is real mistake. So I have to fix it. And you can have solutions for almost everything. फिलहाल मेरे पास तो इसका solution है which is पेंट ओवर इट. हमारा क्लीन सरफेस रेडी है फिर से पेंट करने के लिए. इस बार मैंने अच्छे से चेक कर लिया है ताकि कोई गड़बड़ ना हो. नाउ लेट्स स्टार्ट पेंटिंग अगेन. स्टोरी का मेन कवर पेंट करने के बाद मैंने स्टोरी के सारे सीन एक साथ ही स्केच आउट कर लिए और उसके बाद वन बाय वन उनको पेंट भी कर दिया. पेंट करने के लिए मैंने स्टोरी के जो हाइलाइटिंग मोमेंट्स हैं उन्हें सिलेक्ट किया है. सो पूरी स्टोरी पेंट करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है लैम्प के स्ट्रक्चर को थोड़ा और स्टेबल बनाना, और उसके लिए मैंने यूज़ किए ये थ्रेड्स जो लकीली मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे. तो मैंने उन्हें लाइट बल्ब के इस वाले स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर दिया. गोल्डन शीट से कवर करने के बाद हमारा लैम्प रेडी है एंड हियर इज द फाइनल रिवील.